हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जुनैद है। वेलकम बैक टू जे परफ्यूम वाला। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं चैनल में परफ्यूम्स का रिव्यू करता हूं, तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं जैगुआर क्लासिक ब्लैक परफ्यूम्स का। तो चलिए देखते हैं वो परफ्यूम्स कैसा है। ये कुछ इस तरीके से उसका परफ्यूम्स आ जाता है, मतलब कि इसका बॉक्स है फुल ब्लैक परफ्यूम्स का बॉक्स आ जाता है। इसका फ्रंट में इसकी ब्रांडिंग मिल जाएगी एंड बैक में भी इसकी ब्रांडिंग मिल जाएगी एंड कुछ डिटेल्स दी गई है ऊपर नीचे QR कोड एंड बार कोड। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं अंदर से कैसा दिखता है परफ्यूम। ये कुछ इस तरीके से इसका पैकेजिंग आ जाती है, एकदम ब्लैक सी नीट एंड क्लीन पैकेजिंग है इसकी। तो अगर मैं इसकी जैगुआर की बात करूँ, इसका मतलब एक नॉर्मल से अगर इसकी जानकारी के लिए आपको एक बता दें, परफ्यूम्स की स्टार्ट हुई थी 1988 में। 1988 में जैगुआर ने पहला परफ्यूम अपना लॉन्च किया था जैगुआर फॉर मैन करके, जो कि ग्रीन कलर की पैकेजिंग में आया था। आप में से बहुत से लोगों ने उसको यूज़ भी किया होगा ना, आपके पास में होगा भी वो परफ्यूम। उसके बाद से ये परफ्यूम्स की रेंज निकलती रही, लगभग इसकी अभी तक जैगुआर की 25 से लेकर 26 परफ्यूम्स की रेंज अब तक आ चुकी है। लेकिन उसमें से भी मतलब कैसे परफ्यूम्स में से भी कैटेगरी होती है, जैसे टॉप 10 के परफ्यूम्स, टॉप 20 के परफ्यूम्स। तो जैसे कि इन 25 और 26 परफ्यूम्स के रेंज में से जैगुआर के टॉप 10 परफ्यूम्स निकाले थे, सिर्फ जैगुआर के टॉप 10 परफ्यूम्स निकाले थे। उनके टॉप 10 के परफ्यूम्स के बाद में टॉप 10 के परफ्यूम्स निकाले गए जैगुआर के, उनमें से ये नंबर 1 पे आता है जैगुआर का ये जो है क्लासिक ब्लैक परफ्यूम्स। तो यानी 2009 में बना हुआ परफ्यूम्स है एंड इसको अभी 2020 चल रहा है, लगभग इसको 11 साल हो जाएंगे परफ्यूम्स को एंड काफ़ी छा गया मतलब परफ्यूम्स के रेंज में ये परफ्यूम्स जैगुआर का। ब्लैक पैकेजिंग में फ्रंट एंड बैक से एंड साइड में कुछ इसकी ब्रांडिंग की है सिल्वर कोटिंग से, तो ये काफ़ी अच्छी पैकेजिंग लगी। एंड नीचे भी आपको कुछ डिटेल मिल जाएगी इसकी जैगुआर की, मतलब इसका बैच कोड नंबर जो है, यानी ये ED टॉयलेट आता है ना, एंड ये है मेड इन फ्रांस, फ्रांस का परफ्यूम्स है ये। ऊपर भी आपको कैप में भी आपको इसके जैगुआर का मतलब लोगो मिल जाएगा। तो चलिए इसको स्प्रे करके देखते हैं इसकी नोट्स एंड फ्रेग्रेंस के बारे में, क्या है इसकी फ्रेग्रेंस। स्टार्ट क्या है, स्टार्ट में अगर इसकी ओपनिंग की बात करेंगे तो ये ग्रीन एप्पल एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन मिलता है बहुत ही प्यारा इसके अंदर। मतलब जैसे कि स्टार्ट में जैसे आप इसको स्प्रे करेंगे तो ग्रीन एप्पल तो आपको सभी को पता है ग्रीन एप्पल कैसा होता है, तो उसकी फ्रेग्रेंस के अंदर एंड ऑरेंज मतलब थोड़ा सा सिट्रस का इसके अंदर कॉम्बिनेशन दे दिया है। अगर हम इसके हार्ट नोट की बात करेंगे तो हार्ट नोट में इसके आ जाता है स्पाइसी जिंजर एंड मस्क। मतलब जिंजर का तो इतना इसमें पता नहीं चलता है कि जिंजर का मतलब फ्रेग्रेंस के बारे में, मतलब मस्क का थोड़ा काफ़ी मतलब उठ के आता है फ्रेग्रेंस इसके अंदर। एंड इसके बेस नोट की बात करेंगे तो उसमें आपको सैंडलवुड एंड मैंडेरिन का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है, मतलब लास्ट में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए परफ्यूम्स को सैंडलवुड का इस्तेमाल किया गया इसके अंदर। तो काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस लगी मुझे भी इसकी फ्रेग्रेंस। अगर आपके पास में परफ्यूम्स होगा तो आपका क्या ओपिनियन है इस परफ्यूम्स के बारे में मुझे कमेंट करके बताइए, एंड मेरी वीडियो कैसी लगी आपको वो भी कमेंट करके बताइए, एंड आप कौन से परफ्यूम्स के बारे में जानना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बता दीजिए, उसके ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा। तो आज की वीडियो मुझे बस इतना ही कहना था ये परफ्यूम्स के बारे में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें एंड शेयर कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जे परफ्यूम वाला। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।